Hello friends, welcome to Aisha's Blogs. Please like this video and subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर और मटर पनीर बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करी मेरी कजिन ब्रदर लाम ने, तो आज लाम के लिए मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो हम 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम मटर ले लेंगे और जो जो मसाला मुझे चाहिए वो है जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अदरक जिंजर की पेस्ट और मैं प्याज को पेस्ट करके ली, टमाटो की भी पेस्ट करके ली। अब मैं कढ़ाई में ऑयल गरम कर ली। अब मैं डाल रही हूँ प्याज की पेस्ट। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। अब मैं दे रही हूँ अदरक जिंजर की पेस्ट, देके प्याज के साथ अच्छी तरह भूनूंगी। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, अब मैं डालूंगी टोमेटो की पेस्ट। टोमेटो की पेस्ट डाल के मैं अच्छी तरह इसको फ्राई करूंगी। अब मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी, डाल के अच्छी तरह इसको पकाऊंगी। टमाटो प्याज की पेस्ट अच्छी तरह पक चुकी है, अभी मैं बाकी सारे मसाला एक एक करके डाल दूंगी। मसाला देके तब तक पकाए जब तक मसाला तेल ना छोड़ने लग जाए। हमारा मसाला पक चुकी है, अब मैं दे रही हूँ मटर। मटर देके अच्छी तरह इस मसाले के साथ फ्राई करूंगी। अब मसाले से ऑयल निकलने लगी है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी देके अच्छी तरह मटर और मसाला को मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं ढक्कन लगा के जब तक मटर न पक जाए तब तक पकाऊंगी। मटर पक चुकी है, अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। पनीर डाल के 10 से 15 मिनट तक मैं अच्छी तरह इसको पकाऊंगी। ये मेरी होममेड पनीर है, मैं पनीर की रेसिपी बाद में दे दूंगी। अब मैं ढक दूंगी, ढक के अच्छी तरह पकाऊंगी। हो गए 15 मिनट, मेरी पनीर एकदम तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग बोल में सर्व करूंगी। बस तैयार हो गई मेरी मजेदार मसाला मटर पनीर। आप लोग इसको जरूर घर में ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों को कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़।